आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 का पेज नंबर 921 और जो टॉपिक है हमारे पास वो है फोर्स है वो फोर्स के एजिस्कोनो जो कि एक्ट करती है लगती है सुलवी को लो गाड़ी पे इन कोरवा। हम पढ़ेंगे जब गाड़ी जो है मोड़ काटती है तो कौन कौन सी फोर्स होती है, कौन सी ऐसी ताकतें होती हैं जो गाड़ी पर जो है वो एक्ट करती हैं, ठीक है, गाड़ी के ऊपर लगती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज जो है जितने भी लेसन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि मिक्स क्विज़ वाले जो हैं उस तरह की वीडियो मैं बनाऊं या फिर जो टिप्स हैं उस तरह की बनाऊं। फ़िलहाल जो है 25 चैप्टर जो है इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है वो कंप्लीट वीडियो अप टू 25 चैप्टर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो शेयर करें जो कि फ्री में पतंते वी की तैयारी करना चाहते हैं। टोटली सब आपको यहाँ पर कोर्स जो है वो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे उना कोरवा एक मोड़ पर जा रही होती है ला विलोशिता स्पीड एच ए सेवा अगर ज़्यादा हो पो प्रोवोकार ने इल रिबल्टामेंटो। रिबल्टामेंटो कहते हैं उलट जाना, गाड़ी पलट जाना। कहता है कि अगर आप मोड़ पर से जा रहे हैं और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ख़तरा है कि आपकी गाड़ी उलट सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मोड़ पर जो है हमेशा आपको अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है ताकि गाड़ी जो है वो उल्टे ना या स्लिप ना हो जाए। दूसरा सवाल है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे उना कोरवा एक मोड़ पर से जा रही हो ए असुजितातो तो इस पर एक्ट करती है लगती है एल उना फोर्जा एक फोर्स एक ताकत के तेंदे इस पोस्तारलो वेरसो इस्तैरनो जो गाड़ी को जो है बाहर की तरफ धकेलती है बाहर की तरफ उसको करती है, ठीक है। बिल्कुल ये सवाल जो है वो वेरो है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फिज़िक्स की टर्म है, इसमें हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझ लें कि जब भी गाड़ी मोड़ काटती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि गाड़ी को बाहर की तरफ धकेलती है। इसलिए अगर छोटा मोड़ हो तो भी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी उलट ना जाए और बाहर की तरफ ना जो है वो पलट जाए, टर्न ना हो जाए। तीसरा सवाल है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे जा रही हो उना कोरवा एक मोड़ पर सी देवे ज़रूरी है एवं तारे बढ़ा लें ला विलोशिता स्पीड को पर एवी तारे बचने के लिए इल रिबल्टामेंटो ताकि गाड़ी ना पलट जाए इसलिए आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लें। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है क्योंकि जब भी मोड़ काटना है तब स्पीड हल्की होनी चाहिए और इसमें लिखा है कि स्पीड आप बढ़ा लें तो वहीं से सवाल गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे जा रही हो उना कोरवा मोड़ पर से ए असुजितातो उस पर लगती है एद उना फोर्जा एक फोर्स एक ताकत के तेंदे इस पोस्तार लो जो कि हटाती है वेरसो तरफ इन तैरनो अंदर की तरफ धकेलती है एक फोर्स लगती है गाड़ी पर जब आप मोड़ काट रहे होते हैं जो कि गाड़ी को अंदर की तरफ धकेलती है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो जो फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो गाड़ी को अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ धकेलती है। तो यहाँ लिखा है इन तैरनों की वजह से ये सवाल गलत है। पाँचवा सवाल है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे जा रही हो उना कोरवा एक मोड़ पर ला विलोशिता स्पीड एच एस सीवा ज़्यादा हो पो प्रोवोकार ने ला स्पंदामेंटो। स्पंदामेंटो का मतलब है स्किड करना, फिसलना। तो कहता है अगर आप मोड़ काट रहे हैं और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो ये सवाल भी वेरो है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कौन दो जब इल वी को लो गाड़ी पर कुर्रे जा रही हो उना कोरवा एक मोड़ पर से सी देवे ज़रूरी है एवं तारे बढ़ा लें ला विलोशिता स्पीड पर एवितारे बचने के लिए एओ स्लितामेंटो ताकि आप जो है गाड़ी आपकी स्लिप ना हो जाए। तो ये सवाल जो है हमारे पास बिल्कुल गलत है।
वो कहता है जब आप मोड़ पर से जा रहे हों तो अपनी स्पीड को बढ़ा लें ताकि आप बच सकें, आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो। ठीक है, तो सवाल गलत है क्योंकि इसमें पहले ही वो बता रहा है कि आपने स्पीड बढ़ानी है जब मोड़ काट रहे हो, तो स्पीड बढ़ानी नहीं है बल्कि कम करनी है। अब है जी हमारे पास पेज नंबर 922 और टॉपिक है हमारे पास फितोरे, वो फैक्टर्स, वो चीज़ें के फेवरिस्कों ने जो कि फेवर करती हैं इल रिबल्टामेंटो, जिसकी वजह से उलट सकती है द्यून वीकोलो गाड़ी इन कोरवा। कहते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोड़ में आपकी गाड़ी जो है वो उलट सकती है, वो सारी चीज़ें इस पेज में हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है इल रिबल्टामेंटो, गाड़ी उलट सकती है इन कोरवा एक मोड़ में। दिल वीकोलो गाड़ी ए फेवरातो द उना रिदूता, अगर कम है दिस्तानजा फासला फ्रा बिटवीन दरमियान रोते टायरों के दिलोस्तेसो ऐसे आसे सेम एक्सेस, मतलब या तो फ्रंट के दो टायर या बैक के दो टायर। ठीक है, वो कहता है अगर उनके दरमियान फासला कम हो तो गाड़ी आपकी पलट सकती है। बीच में ब्रैकेट्स में लिखा है करी जाता स्त्रीता, और ऐसा तब होता है जब आपका रोड तंग हो। ठीक है, रोड तंग हो और मोड़ हो तब बहुत ख़तरा होता है कि गाड़ी जो है वो उलट सकती है। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी पलट सकती है उलट सकती है मोड़ में। ए फेवरातो दिल कारिको, अगर सामान नॉन स्टेबिलमेंटे फिसातो, अगर आपने जो गाड़ी के ऊपर सामान लादा है उसको अच्छी तरह बांधा नहीं है, अच्छी तरह फिक्स नहीं किया, तब भी ख़तरा है कि आपकी गाड़ी जो है वो मोड़ में उलट सकती है। तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी जो है वो पलट सकती है उलट सकती है। ए फेवरातो द उन राज्यो दी कोरातोरा, अगर तो जो रेडियस है मोड़ का दिला स्त्रादा सड़क का पीकोला छोटा है, मतलब के कोरवा स्त्रीता तंग मोड़ है। ठीक है, तंग सड़क हो छोटा मोड़ हो तो बहुत ख़तरा होता है कि गाड़ी आपकी पलट सकती है। चौथा सवाल है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी जो है वो पलट सकती है मोड़ में। ए फेवरातो द उना राज्यो, अगर उसका रेडियस दी कोरातोरा, अगर जो रेडियस है उसका कम है मोड़ का दिला स्त्रादा आम्पियो, सॉरी आम्पियो का मतलब है बड़ा है, कोरवा लारगा। कहता है कि अगर बड़ा मोड़ है तब आपकी गाड़ी पलट सकती है। तो सवाल गलत है। देखिए, अगर रोड खुला है और मोड़ भी बड़ा है तो ख़तरा नहीं है, तब गाड़ी नहीं उलटेगी। अगर तो छोटा मोड़ है तब ऐसा हो सकता है। पांचवा सवाल है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी पलट सकती है मोड़ में। ए फेवरातो द उना आम्पिया दिस्तानसा, अगर ज़्यादा फासला है फ्रा बिटवीन दरमियान में रोते टायरों के दिलस्तेसो आसे सेम एक्सिस पे, मतलब सेम दोनों फ्रंट के टायर या बैक के टायर, करी जाता लारगा, इसका मतलब है कि बड़ा रोड है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि अगर बड़ा रोड है तो गाड़ी नहीं पलटेगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी पलट सकती है। ए फेवरातो द उना कारिको पोस्तो इन बासो, अगर तो सामान जो है वो नीचे है कम है तो जो है गाड़ी पलट सकती है मोड़ में। तो ये सवाल गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर सामान बहुत ज़्यादा है ऊपर है तब गाड़ी पलटेगी। सातवां सवाल है इल रिबल्टामेंटो इन कोरवा दिल वीकोलो, गाड़ी जो है वो मोड़ में पलट सकती है। ए फेवरातो द उना कारिको, जो सामान है पोस्तो इन आलतो, बहुत ऊंचा है बहुत ज़्यादा है, तब जो है ख़तरा है कि गाड़ी पलट सकती है मोड़ में। लास्ट पेज है जी चैप्टर नंबर 25 का 923 और जो टॉपिक है वो है फोर्जा रिबल्टामेंटो इन कोरवा ए वेलोसिता, कहता है वो फोर्सेस, वो चीज़ें जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो पलट सकती है। ठीक है, रिबल्टामेंटो इन कोरवा ए वेलोसिता स्पीड में। पहला सवाल है ला फोर्स या रिबल्टामेंटो इन कोरवा, कहता है वो फोर्स जिसकी वजह से गाड़ी पलट सकती है जो है वो मोड़ों में। अयोमेंता बढ़ जाएगी, अल अयोमेंतारे दिला विलोशिता, अगर स्पीड जो है वो बढ़ेगी तो हो सकता है कि गाड़ी जो है वो पलटे, ज़्यादा फोर्स लगेगी और जो मोड़ में गाड़ी पलट सकती है। सवाल वेरो है।
दूसरा सवाल है ला फोर्स आर इबल तमेंट उन कूर्वा, वो फोर्स जिसकी वजह से गाड़ी पलटेगी दिमिनुस के कम हो जाती है, अल अयोमेंतारे दिला वेलोशिता, अगर तो स्पीड को बढ़ाएंगे। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ी लाजमी पलटेगी। यहाँ पर जी हमारा जो है वो सारा कोर्स कंप्लीट होता है, कंप्लीट 25 चैप्टर जो है वो कंप्लीट अब हो चुके हैं, और YouTube का ये पहला चैनल है जिसमें आपको 25 चैप्टर कंप्लीट जो है वो पतंते बी के मिलेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपके कोई जानने वाले फ्रेंड्स या फैमिली वाले कोई भी पतंते बी करना चाहते हैं उर्दू हिंदी में, तो आप उनको भी मेरे चैनल का लिंक लाजमी जो है वो सेंड करें, और मेरे YouTube चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको प्रमोट करें। तो ऑल द बेस्ट जो भी लोग मेरी वीडियोस से तैयारी कर रहे हैं, और आई होप सो आप लोग मज़ीद भी मेरी वीडियोस देखना चाहेंगे जिसमें मैं मिक्स क्विज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा जितने टिप्स और ट्रिक्स हैं वो वाली वीडियोस भी आती रहेंगी।